कंपेयरिंग क्वांटिटी स्टैंडर्ड 7, ओके। प्रीवियस हमने देखा था कि प्रॉफिट और लॉस जो हमको मिलता है उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। वैसे यहाँ पे क्या है, न्यू टॉपिक देखो, चार्ज गिवन ऑन अ बोरोड मनी और सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की बात करनी है, किसकी बात करनी है, सिंपल इंटरेस्ट की। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट में पहले मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट आई होता है, तो आई का एक फॉर्मूला होता है पी आर टी अपॉन 100। अब पी क्या है, ये पी है जिसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल। इसको क्या बोलेंगे हम, प्रिंसिपल। मीन्स जो आपने वैल्यू या तो जो आपने पैसे या तो जो आपने मनी बोरो की है वो, ये प्रिंसिपल। आर, वो मनी आपने किस कितने रेट से बोरो की है वो है। और टी, टी मीन्स टर्म, टी मीन्स टर्म, तो कितने साल के लिए की है वो इसमें आएगी। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या आएगा, आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। तो आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल, सॉरी आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। तो पी इज इक्वल टू प्रिंसिपल मीन्स कितने मनी आपने लिए वो। आर इज इक्वल टू रेट मीन्स कितने रेट पे लिया वो। टी इज इक्वल टू ईयर मीन्स कितने साल के लिए लिए, और नीचे है 100। तो आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, ओके। तो प्रिंसिपल, रेट, ईयर्स एंड 100, ओके। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 20। अनीता टेक्स अ लोन कितने की, 5000। तो लिखो 5000, मैं उसके बाद आपको बताता हूँ कि 5000 क्या है वो। फिर 50%, तो जो जो दिया है वो लिख लेते हैं पहले। तो 50% पर ईयर एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द इंटरेस्ट सी हैज टू पे एंड ऑफ द ईयर। मीन्स हमको क्या फाइंड करना है, आई, क्या फाइंड करना है, आई, ओके। देखो अब जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है ना, उसको हमारे फॉर्मूला से कंपेयर करो। कि पी, पी मीन्स हमने क्या बताया था, प्रिंसिपल या तो वैल्यू या तो मनी जो हमने बोरो किए हो। तो यहाँ पे मनी, लोन, लोन वन टाइप ऑफ मनी होता है ना। तो ये हमको 5000 क्या दिया है, पी दिया है। 5000 क्या दिया है, पी। तो 5000 के आगे पी लिखो, 5000 के आगे हमने पी लिखा या पी आ गया, ओके। अब ये 50%, तो 50% क्या है, रेट। 50% क्या है, रेट मीन्स आर। तो ये आर, तो ये आर आ गया। अब हमारे फॉर्मूला में एक टी भी है, ईयर, तो कितने साल के लिए, तो एंड ऑफ द ईयर। तो हम टी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1। टी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर दो हमारे फॉर्मूला को। तो आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। पी की जगह पे पी की वैल्यू रखो तो 5000, आर की जगह पे आर की तो 50, टी की जगह पे टी तो टी इज इक्वल टू 1, और नीचे आएगा 100। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, 20 20, यहाँ पे भी 20, 15 15 75, और 10 पीछे है। तो जी ये इंटरेस्ट आया, क्या आया, 75 इंटरेस्ट। तो फाइंड द इंटरेस्ट सी हैज टू पे, तो 7750 रुपीज का इंटरेस्ट उसको एंड ऑफ द ईयर आएगा, ओके ओके। क्या किया, देखो अनीता ने लोन ली थी, तो लोन की जगह पे ये पी था, तो पी की जगह पे पी की वैल्यू रखी। या 50% इंटरेस्ट था, तो आर की जगह पे आर की वैल्यू रखी। और एंड ऑफ द ईयर मीन्स टी इजल टू 1 लेना था, तो टी इजल टू 1 ले लिया, और नीचे 100। बस इसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो जो हमको मिलता है वो क्या मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट, ओके। अब ये हो गया एग्जाम्पल 20। अब एग्जाम्पल 21 देखो। इफ मनोहर पेस एन इंटरेस्ट कितना, 750। तो ये 750 जो दिया है वो क्या दिया है आपको, 750 जो दिया है वो क्या दिया है, आई। 750 क्या दिया है, आई। तो आई 750 कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो ये क्या दिया है, एन, सॉरी टी। टी मीन्स क्या होता है, 2। और सम ऑफ 450 कितने, सम देखो, ये सम आएगा ना, तो सम मीन्स आपको पी समझना है, सम मीन्स प्रिंसिपल। तो ये पी दिया है, पी की कितना दिया है, 4500। पी दिया है, आई दिया है, टी दिया है। क्या पूछा है आपको, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारा फॉर्मूला लगा दो पहले, आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। आई की जगह पे आई की वैल्यू रखो 750, पी की जगह पे पी की वैल्यू रखो 4500,
आर की जगह पे आर, वो तो फाइन करना है। टी, टी की जगह पे दो रखो क्योंकि दो साल के लिए दिया हुआ है, और नीचे 100। तो अब अगर मुझे आर को फाइन करना है तो क्या करूंगा, आर के सिवा जो भी है वो सामने ले जाऊंगा, तो आर 750। चलो ना सामने नहीं, हम 2020 कैंसिल कर दे दो, ये 2020, ये भी 2020, तो जो बचा ना वो हम सामने ले जाते, तो क्या हो जाएगा 750। ऊपर क्या बचा था, 45 एंड 2, तो 45 2 90 बचा था, तो 90 को इस साइड ला दो, तो 90 को यहाँ पे लाए दो, 750 अपॉन 90, 1010 कैंसल। अब इसको 3 से काटेंगे तो 3 जा, इसको भी 3 से काटेंगे तो 2 और ये 1 तो 5, तो 25 डिवाइडेड बाय 3, तो 25 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, अभी भी 38 जा, तो इसको 8.33% भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 8.33 या तो 8.13% भी लिख सकते हैं। ओके,